अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी आपकी दुआओं से बहुत 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 खैरियत से हैं। और आज मैं हम आपको देने वाले हैं अपना होम टूर। ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं, ये मेरा गार्डन था जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया था, पूरा गार्डन। ये जो मेरा था, एक एक प्लांट मैंने अपने हाथों से लगाया था। ये देखिए, ये सारे पेंट के डब्बे थे जिसको मैंने रस्सी लगा कर उस पर कुछ कुछ लिख कर माई गार्डन वगैरह ऐसा लिख लिख कर मैंने पूरा बनाया हुआ था। और ये टाइल्स से पॉट मैंने बनाए थे। और ये देखिए, ये जो इनका कैन आता है ना, वो तेल वाला, उसको मैंने काट कर बनाया था। यानी समझिए, पूरे कबाड़ से जुगाड़ जो बोलते हैं ना, वैसा वाली चीज़ें मैंने की थी अपने गार्डन में। ये सारे प्लांट थे मेरे गार्डन के। अब तो मेरे गार्डन की थोड़ी सी हालत ख़राब है क्योंकि अभी काम चालू है इस वजह से। ये देखिए, ये सारे पेंट के डब्बे थे, ये छोटी छोटी जो फ्रूटी वगैरह के कंटेनर्स आते हैं वो थे। ये देखिए, ये सारा गार्डन मैंने अपने हाथों से, ये टाइल्स के सारे पॉट्स, बड़े बड़े पॉट्स, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइल्स पड़ी हुई थी, ये सारी टाइल्स के पॉट्स मैंने बनाए थे। और इसमें पूरे बड़े बड़े प्लांट्स लगाए थे, बहुत ही खूबसूरत लगता था मेरा गार्डन। अभी भी है, लेकिन अभी प्लांट्स उगते नहीं बचे हैं, अभी धूप की वजह से बहुत ख़राब हो गए हैं। ये देखिए, एक छोटा सा परी का टब था, बाथ टब, उसमें मैंने एक छोटा घर, फेरी गार्डन बना दिया था परी के लिए। और ये एक पीवीसी का पाइप था, उस पर मैंने छोटी छोटी पेप्सी के बॉटल्स ऐसे राउंड राउंड लगा कर उसके अंदर भी प्लांट्स लगाए थे। वाकई बहुत खूबसूरत लगता था, जितने लोग आते थे काफ़ी तारीफ करके जाते थे गार्डन की। ये मेरा पहले एक गार्डन का वीडियो है, तो मैंने सोचा इसी होम टूर में ही ऐड कर दिया जाए। ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखिए, ये सारे सारे छोटे छोटे प्लांट, बहुत सारे मेरे पास प्लांट की वैरायटीज़ थी, बहुत सारे प्लांट की वैरायटीज़ थी। और ये बड़ी वाली जो 5 लीटर की बॉटल होती है, 5-10 वो वाला, ये बॉटल का मैंने पूरा हैंगिंग बनाया था। और ये पीवीसी पाइप जो जॉइंट करने के लिए होता है वो, और ये कप थे जो जिनमें से वो मतलब ऐसे वो दरारें आ गई थी, तो मैंने उसमें भी पॉट लगा दिए थे। ये मेरे कुछ मग्स ख़राब थे, उनमें मैंने प्लांट लगा दिए थे। यानी पहले कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने देती थी, पूरा प्लांट लगा लगा के हर चीज़, छोटे छोटे प्लांट काय में भी ग्रो हो जाते थे। लोग ताज्जुब करते थे कि कप में कैसे प्लांट लगे। देखिए, ये बल्ब था जो मतलब यूज़ नहीं हो रहे थे, सारे सब मैंने यूज़ कर लिए। उम्मीद देखिए आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं हमारे घर का होम टूर, क्योंकि जब तक हम नानी के घर थे तो हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की। फिर उसके बाद हमने कोई भी वीडियोस ही अपलोड नहीं की, क्योंकि ये घर पर आने के बाद तायत की भी तबीयत खराब थी। और उसके बाद कोई भी मतलब घर की पेंटिंग वगैरह चालू थी, तो हमको टाइम ही नहीं मिला कोई भी कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए, अब हमारा घर का पेंटिंग फाइनली हो गई है, तो चलिए हम आपको देंगे हमारे घर का होम टूर। और अभी हमारा ऊपर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ऊपर वाले घर का, तो जब वो पूरा हो जाएगा तो हम उसकी बाद में देंगे। पहले अभी हम जिसमें रह रहे हैं उस घर का होम टूर देते हैं आपको, है ना। हमने नानी के घर का होम टूर दे दिया था, फाइनली 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 हमारे घर का होम टूर भी हम आज आपको दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाहर से। अभी हम बाहर का नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमारे गार्डन की हालत बहुत खराब है। और यहाँ से है हमारा ऊपर का अभी जो काम चल रहा है वो, यहाँ से, इसलिए भी यहाँ पे इसका भी बहुत सारा ऊपर का काम बाकी है, टाइल्सिंग पुटिंग सब कुछ। पर ये है अभी हमारा मेन डोर, यहाँ से हम एंट्री लेते हैं। तो ये है हमारा घर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये जो एरिया है हमारा, ये वॉशरूम एरिया है, तो चलिए थोड़ा थोड़ा वॉशरूम का भी टूर करा लेते। तो ये है हमारा वॉशरूम, तो वॉशरूम दो है, एक ये है और एक सिंगल वाला वॉशरूम है। तो चलिए अभी चलते हैं हम अंदर। तो अभी हमने वॉशरूम देख लिया, अब हम चलते हैं, पहले ये वाला रूम दिखाएंगे। पहले हम आपको दिखाते हैं पहले हमारा, ये एक छोटा सा रूम है फ्रंट में, कि अगर कोई अंदर सोने में कंफर्टेबल नहीं है, या फिर जिसको अलग सेलेक्ट सोना है, या फिर कोई जेंट्स है, तो वो यहाँ ये रूम में सो जाता है। और ये जो सामान है ये शादी की दुकान का है, तो ये इनको लगता रहता है। और ये आयत की साइकिल खड़ी है यहाँ पर। और ये एक बेड है ये रूम में, जो कंफर्टेबल नहीं रहता है उसके लिए अलग से सेलेक्ट से ये एक रूम है। और ये घर हमने मतलब बनाया ही लिया था,
इस घर को हमने बनवाया नहीं है, ये जैसा था वैसे ही, सिर्फ हमने इसमें पेंटिंग वगैरह करवाई है। और ये स्टेयर के नीचे यहाँ पर थोड़ा सा कुछ सामान रखे, वॉशिंग मशीन वगैरह। और ये देखिए, ये कुछ ऐसा हमारा एरिया है। तो चलिए अभी हमको ले चलो आयत अंदर। तो ये है, जैसे ही हम एंट्री लेते हैं, पहले है एक छोटा सा हॉल। घर बहुत लग्जरियस नहीं है, लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लाह का शुक्र है। यहाँ ऊपर भी नया पेंट मारा है। अभी सब पेंटिंग नई नई हुई है, तो मैंने सोचा चलो अभी इसी बात बहाने होम टूर भी दे दिया जाए। तो ये है हमारा हॉल। तो अब चलते हैं एक और बेडरूम। और ये मुझे, हमको ग्रीनरी का बहुत ज्यादा शौक है। मैं इससे पहले मेरे गार्डन की वीडियो मैंने डाली है, वो मेरे पहला था। अभी तो कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से मेरे गार्डन का बहुत सारा नुकसान हो गया है, लेकिन मैं उसको जल्दी ही अच्छे से सब कर लूंगी मेरे गार्डन को अच्छा। यहाँ पर हमारे कुछ सामान और ये हमारी टीवी। तो चलिए अभी हम आपको ले चलते हैं बीच वाले रूम में। ये सीधे सीधे ही रूम है, कुछ बहुत लग्जरियस नहीं है। ये देखिए, ये है हमारा एक रूम। ये है कुछ बर्तन, यहाँ पे हमारी थोड़ी सी क्रॉकरीज रखी है, डिनर सेट। और ये वाला घर जो है, ये मैंने बनाया, मुझे क्राफ्ट का बहुत 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 ज्यादा क्रेज हो गया था बीच में। तो देखिए, ये घर मैंने बनाया था, इसको देखिए आप अच्छे से कितना सुंदर लग रहा है ना। कोई ऐसे बाहर झुके वगैरह के घर रहते हुए वो वाला घर है। ये पूरा खड्डे से बनाया हुआ है, मैंने दवाइयों के खड्डों वगैरह से ये सारा घर मैंने बनाया हुआ है। तो अब ये है कपड़े रखने का कबर्ड। ये है हमारा छोटा सा एक कबर्ड, जहाँ हम डेली यूज के कपड़े रखते हैं। और ये है पर्दा, ये हमारा एक काउच। और यहाँ पर है हमारा दो बैठने के काउच हटवाए। हाँ, और ये है हमारा बेड। और ये है, तो ये है कुछ ऐसा, मतलब ये सीधे सीधे ही रूम है, बहुत लग्जरियस नहीं है, लेकिन जो है शुक्र अल्लाह। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं किचन में। चलिए अब, तो चलिए हम चलते इसके बाद किचन में। तो ये है एंट्री करते ही हमारा, तो पहले है यहाँ पर डाइनिंग। ये देखिए, ये है डाइनिंग टेबल। और यहाँ पर मेरे बर्तन। हाँ, यहाँ पे गैस, यहाँ पे कुछ नीचे सामान रखे हैं। और यहाँ पर है किचन ऐसे। और ये है चूल्हा। और यहाँ कबर्ड वगैरह पहले से ही नहीं था, जब हमने ये घर खरीदा था तो यहाँ कबर्ड वगैरह नहीं था, जैसा था वैसा ही है। क्योंकि अब हमने रहने के लिए ऊपर बनाना है, तो हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, हमको देना तो इसको रेंट से ही है, और रेंट पे देने से घर तो अच्छा रखते नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे भी कबर्ड वगैरह का, जब ऊपर चालू होगा फर्नीचर का, तो शायद हम यहाँ पे भी फर्नीचर करवा देंगे। तो देख लीजिए पूरा लुक। ये मटके का पानी मुझे पसंद है, क्योंकि मुझे फ्रिज का पानी सूट नहीं होता, मुझे बहुत सर्दी हो जाती है, और तो हम मटके का ही पानी पीते हैं। तो ये है कुछ मेरा छोटा सा किचन। तो ये है, तो अब चलते हैं हमारे ऑफिस छोटे से। चलिए अभी हम दिखाते हैं आयत का स्टडी रूम। ये इधर भी तीन रूम है, इधर तीन रूम है और इधर तीन रूम है। ये है आयत का स्टडी रूम। यहाँ पर कुछ खिलौने, यहाँ पर हम अपनी ग्रोसरीज रख देते हैं। ये यहाँ पर है आयत का स्टडी रूम। ये क्या है, कुंडे में, यहाँ पर हमारे लैपटॉप, वहाँ पे हमारा कैप। और ये है आयत, अपनी ट्रॉफीज तो दिखा दो। ये रही मेरी ट्रॉफीज, अब मेरी पांच ट्रॉफीज हो गई है। तो ये है हमारा कुछ, यहीं पे शौहर जी भी अपना दुकान का जो भी लिखा पढ़ी रख कर लेते हैं। आयत के लिए भी स्टडी के लिए एक मतलब रूम अच्छा हो गया। और ये ऐसा डबल स्लैप वाला है, तो उसके ऊपर हम अपना स्टोर रूम है हमारा।
ये लोगों के टॉय रखे हुए। बाद एक रूम ये है यहाँ की, पता नहीं लाइट क्यों काम नहीं कर रही है। यहाँ पर हमारे फ्रिज रखी हुई है, अलमीरा है, टेबल का स्ट्रोलर है। यानी यहाँ इस साइड में तीन रूम है, इस साइड में यानी जिनका घर हमने लिए थे वो रेंट पे देने के हिसाब से बनाए थे। और अंदर है हमारा बेड। कल हमारे बीच वाले रूम की लाइट खराब थी, तो चलिए हम भी आपको दिखाते हैं। ये तो देखा था आप लोगों ने, ये है एक रूम। ये वाले रूम की लाइट खराब थी ना, यहाँ फ्रिज रखी हुई है, क्या टेबल का स्ट्रोलर और कुछ सामान है ऊपर, और एक एक्स्ट्रा गद्दा और अलमारियां। रूम यहाँ पर इन लोगों के थोड़े से टॉयज रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये था हमारा छोटा सा घर। कैसा लगा आपको हमारा छोटा सा चैनल जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपको जल्द ही हमारे ऊपर वाले घर का भी होम टूर देंगे। मिलते हैं नहीं, चलो भी इधर से हम बाहर निकल के तो दिखा दें कि इधर से डोर है हमको वॉशरूम वगैरह यूज करने के लिए। इधर तीन रूम है और उधर तीन रूम है, यहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं जहाँ से एंट्री थी। मेरे गार्डन को दिखाने के लायक नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्द अपने गार्डन का वीडियो डालूंगी आपको। आइए एक झलक ऊपर के घर की जरूर दिखा दे। ऊपर का भी कंस्ट्रक्शन का काम हो गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी नीचे भी यहाँ भी सब बाकी है क्योंकि फ्लोर में। आपने वीडियो देखा होगा और आप भी देखिए मेरे गार्डन की हालत बहुत खराब हो गई है। देखिए कितने सारे आम लगे हैं, आप लोग को आम दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए कितने सारे आम लगे हुए हैं, बहुत सारे आम लगे हुए हैं। और अभी कुछ ऐसा है और अभी ऊपर का काम हो गया है। यहाँ भी सब फ्लोरिंग वगैरह बाकी है, यहाँ भी सब फ्लोरिंग वगैरह होगी, यहाँ पे टाइल्सिंग होगी। तो किस किस को आम खाने हैं जल्दी जल्दी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे दूसरे चैनल को भी बहुत सारा प्यार दीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ खड़ा है मेरा तैमूर, यहाँ खड़ा है मेरा